गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हुई थी और सुबह उठी तो सुबह भी बारिश हो रही थी। बस फिर मैं सुबह उठी, नीचे आई, एज़ यूजुअल मैं यहीं पे आती होती हूँ हमारी बालकनी में, और मैंने कर्टन वगैरह हटाए, वेदर चेक किया कैसा है, देखा बारिश आ रही थी तो बारिश के अकॉर्डिंग अपना दिन प्लान किया। बस फिर लिविंग एरिया में आई, लिविंग एरिया के कर्टन्स रिमूव किए एंड आज गार्बेज का दिन था, फिर सारा गार्बेज निकाल कर बाहर रख। हमारे यहाँ पे एवरी थर्सडे गार्बेज पिक करने आते हैं, तो ये ऑल्टरनेट डेज पे रहता है, लाइक ऑल्टरनेट वीकेंड वीक डेज पे रहता है। जैसे रिसाइकल का अगर इस वीक है तो नेक्स्ट वीक गार्बेज उठाने आते हैं, और रिसाइकल गार्बेज और ऑर्गेनिक यहाँ पर अलग रहता है। तो आज था गार्बेज और ऑर्गेनिक का, तो ये जो ट्रक है ये आया हुआ था, ये लोग उठा उठा कर गार्बेज को ट्रक में डाल रहे थे, तो हमारा भी इन्होंने उठा कर डाल दिया। बस फिर अंदर आई, अंदर आकर मैंने सोचा आज सौंफ और दालचीनी का पानी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ये हेल्दी होता है अगर आप खाली पेट उठकर पीते हो तो। तो मैंने फटाफट उसकी तैयारी करी। शुभम और अपने लिए दो ग्लास गर्म पानी डालकर उसमें थोड़ी सी सौंफ और दालचीनी डालकर उसको बॉयल किया। पानी बॉयल करते करते मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि फिर इजी रहता है अगर पहले ही प्लान किया हो तो, आपको बस उसके लिए प्रिपरेशन ही करनी है जो भी आपको बनाना है। बट हम गर्ल्स की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, हमें सब कुछ प्लान करके चलना पड़ता है, एज हमें खाना भी बनाना है, जॉब भी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ प्री प्लान करना पड़ता है। बस फिर ये पानी बॉयल हो गया और फिर मैं ऊपर गई। ऊपर मिस्टर शुभम बैठे थे, आराम से फ़ोन चला रहे थे, उन्हें पानी बॉयल करके दिया और ख़ुद भी पिया। और फिर बस पानी पीते पीते मैं विंडो की साइड चली गई और वहाँ पे देखा कि आज क्लीनर्स आए हुए थे, तो यहाँ पे लोग बहुत कॉन्शियस हैं साफ़ सफाई को लेकर। बस फिर रेडी हुई और अपना रेडी होकर अब बाहर निकली, ऐसे ही दिन स्पेंड हो गया। रात हो गई थी, रात को बस हम कुछ खाने पीने निकले थे पूरे दिन के काम वगैरह के बाद। कहाँ चलने की तैयारी है यार? डोसा खाने का मन कर रहा है, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, बहुत तेज भूख लग रही है। कभी बंद हो जाए, बहुत तेज भूख लग रही है यार, जल्दी से ले लो। चल रहे हैं 5-10 मिनट की ड्राइव, अभी तो बंद नहीं हुआ। एक्चुअली ना हमारे रूममेट्स जो हाउसमेट्स हैं वो साउथ इंडियन है, और वो लोग ना हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज ही वो डोसा बनाते हैं, साउथ की देसी इडली, क्योंकि नहीं वो ही बनाना आता है। और हमें इतनी खुशबू आ रही थी ऊपर बैठे बैठे, मेरा तो दिल ही कर गया डोसा खाने का। और किचनर ना वैसे भी फेमस प्लेस है डोसा के लिए, यहाँ पे बहुत सारे हैं साउथ इंडियन रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो सभी कहते हैं कि डोसा यहाँ अच्छा मिलता है। हम गए हैं, हमने एक प्लेस ट्राई किया जयलक्ष्मी, वो ट्राई किया, वो बहुत अच्छी है। जैसे इंडिया में उडुपी का है, आप लोगों ने गोवा में खाया हो तो उस तरह पे ना, वहाँ पे उडुपी एक फ्रेंचाइजी सी है, इस तरह हमें गया था गोवा घूमने, हर जगह उडुपी उडुपी उडुपी, हर जगह इतना डोसा खाया हमने, खा के नारियल नारियल चटनी, दिमाग का नारियल हो गया। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा, जयलक्ष्मी पे भी बहुत अच्छा डोसा मिला था। आज हम कोई न्यू प्लेस ट्राई करेंगे, डोसा डोसा है, किसी ने सजेस्ट किया था, डोसा इटरी, डोसा इटरी है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ का डोसा कैसा होगा। यहाँ जहाँ लास्ट टाइम गए थे जयलक्ष्मी, वहाँ तो हमें ऑफ भी मिला था क्योंकि हमने कैश पे किया था, तो एक वो खाया था, इडली खाई थी, एक डोसा खाया था, तो आज हम नहीं इडली नहीं खाई थी, हमने वड़ा खाया था। वड़ा शुभम का फेवरेट है वड़ा, तो हमने वड़ा खाया था और अनियन मसाला डोसा। देखते हैं आज क्या लगेगा, क्या मिलेगा, उनका कॉम्बो मिलेगा या कुछ स्पेशली। हमें अनियन मसाला डोसा मेरा फेवरेट है, देखते हैं उधर जाके क्या कुछ होगा। या जाते हैं वहाँ पे, चेक करते हैं कि कैसा मिलेगा एंड देन लेट यू नो। दिखाते हैं, थोड़ा सा डाउनटाउन से होते हुए जाएंगे, बिल्कुल पास में ही हमारे डाउनटाउन, 10 मिनट की ड्राइव पर है बस। हम एक्चुअली वहाँ से नहीं जा रहे, बट यहाँ पे जिम जाता हूँ मैं, उसकी तरफ से जा रहे हैं। ये मैप ने ये शो किया तो मेरे को याद नहीं रहा, बट हम डाउनटाउन में ही सारा का सारा जिम के पास है वो? बिल्कुल सामने में। मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ जब ट्रेडमिल पे भागता हूँ
तब वो एकदम आपको सामने से। तो उस दिन बस मेरा मूड कर ही रहा था, आज एक्चुअली हमने सर्च किया और हम निकल पड़े। अभी 10:15 हो गए हैं रात के, शाम के हो गए 9:45। और सबसे अच्छी बात है कि साउथ इंडियन फूड बहुत हेल्दी होता है, तो डाइट भी होता है। आजकल हम डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हमने सोचा बाहर खाने का मन भी है और कुछ खान मतलब बाहर ट्राई भी करना है, तो साउथ इंडियन बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे भी चॉइस हमारे साउथ इंडियन फेवरेट है हमारे, इसलिए हमने ना रूममेट जो रखे हैं वो साउथ इंडियन से हैं हमारे। लकीली बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो हर रोज बनाते हैं, बहुत टाइम शेयर भी करते हैं, बट हमें सब टाइम ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा शेयरिंग में मजा नहीं आता। वो ना काफी टाइम से खाओ दबा के फिर इसलिए मैं बैटर, वो ना हमें काफी टाइम से बोल रहे हैं कि तुम लोग बैटर ला दो। एक्चुअली वो बहुत चूजी है बैटर को लेके, मे बी उन्हें डिफरेंस पता है कि यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिलती। नॉर्थ के पार्ट्स का हमें पता है, जो कुछ स्वीट्स है उनको नहीं पता, ऐसे उन्हें साउथ का पता है, तो इसलिए वो हमें कब से बोल रहे हैं कि ले आओ तुम, हम डोसा पार्टी करेंगे, लेकिन हमें टाइम ही नहीं लगता लेके आने का, और हमें पता भी नहीं कि कौन सा लेके आना है। अदरवाइज ग्रोसरी तो हम करते हैं, आज भी करके आए, दो दिन पहले भी करके आए, अदरवाइज वो तो इतना महंगा नहीं आता, $10-15 का आ जाएगा, यहाँ पे 20 का आ जाएगा, मतलब पैसे की बात नहीं, बट हमें नॉलेज ही नहीं है कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं है, इस वजह से हम अवॉइड ही करते हैं। बट जाऊंगा मैं डेफिनेटली स्कारब्रो जाऊंगा, वहाँ पे उन्होंने लेकर आना, तमिल की एक शॉप है प्रॉपर, वहाँ पे तमिल का ही सामान मिलता है, तमिल के साउथ साइड का, तो मैं वहाँ जाऊंगा डेफिनेटली, बैटर एक बार जरूर लेके आऊंगा, ट्राई करेंगे, अच्छा लगा तो फिर तो हमने रोटियां बंद ही कर देनी है, डोसे में डोसा। चलो अब हम जाते हैं वहाँ पर, आपको खाकर रिव्यूज देते हैं कि वहाँ कैसा मिलता है सब कुछ। फाइनली हम पहुँच गए हैं, अच्छा ही डोसा ट्विस्ट है, ना कि डोसा इटरी। ओहो चल कोई ना, खाने को तो मिलेगा हमें। अच्छा सा रेडियस भरे हैं भाई, यहाँ पे हमें पूरी फीलिंग आती है। ये कृष्णनगर का डाउनटाउन है, हम वहाँ गए नहीं, वहाँ पे काफी रश था और सर्विस भी काफी लेट लग गई थी, और वहाँ देखने में भी टेस्टी नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा वापस जयलक्ष्मी चलते हैं। तो हम किचनर डाउनटाउन आ गए हैं और बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ के एक ताजा साउथ की थीम में बनाया हुआ है। हाँ 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 आई थिंक उस साइड में खाली तो नहीं है, 12 बज गए। रात को हम 12 बजे घर वापस आ गए थे, आकर नाइट स्किन केयर रूटीन किया, कपड़े वगैरह चेंज करे और बस फिर आकर हम सो गए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।